हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका कल्पना ब्लॉग में। मैं हूँ कल्पना, मनु को नमस्कार। छोटे को बहुत सारा प्यार साथ हमने तो मम्मी हमें उठ चुके हैं, मम्मी चाय रख रही बनाने और मैं तैयारी कर रही हूँ पराठे बनाने की। और आज का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, बहुत स्पेशल दिन है, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं खाना और फिर चलते एक नए सफ़र की तरफ। ठंडा बहुत हो रहा है, जाड़ा बाहर, अभी धूप भी नहीं आई। आज हम थोड़े जल्दी उठे, थोड़ी नहीं बतीदी, मतलब ऐसे ही उठ गए, 7:30 तो मैं उठती हूँ, क्या जल्दी उठ गए। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार फटाफट से नाश्ता निपटाने के बाद, और अब हम निकल रहे हैं नए सफ़र पे। मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, पतिदेव रेडी हो रहे हैं, और मैंने आज थोड़ा सा मेकअप किया है, थोड़ा सा हल्का सा। तो वो कैसे हैं आप सभी लोग? और आज हमारे बगल में यहाँ भी शादी है भाई, यहाँ देखो मैं दिखाती हूँ, जूम नहीं हो रहा क्या फ्रंट कैमरा, मुझे पता ही नहीं है। तो यहाँ भी शादी है, लेकिन हम जा रहे हैं एक नई जगह, मतलब पता नहीं कैसा है, क्या है क्या नहीं है, मुझे वहाँ कुछ पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं वहाँ और निकलते हैं अब गाड़ी में, गाड़ी अपनी तैयार है, धन्नू फटाफट से निकलते, कुछ और लोगों को भी हमें लेना है तो उनको भी लेंगे और निकलेंगे एक नए सफ़र पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम निकल चुके हैं घर से और गाड़ी मम्मी ऊपर खड़ी है, चलिए निकलते हैं। मिट्ठू भी स्कूल जा रहा है इधर, मिट्ठू और मिस्टर दादा। और हेलो विकास, हेलो। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं सफर पे और हमने विकास को उठा लिया, मेरे पति को ज्यादा गोरे लग रहा है, यहाँ देखना क्यों लग रहे तुम गोरे? विकास के कालो लग रहे, जो बंदा गोरा है वो काला लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुगली तो है ना, मुगली तो है ना। अरे मैं 7 बजे आ गया था, सब ज्यादा गोर मैं लग रहा हूँ, मेकअप मुकअप करी गए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते, कहाँ पे हमारे ये कौन सा है, ब्यासी, ब्यासी में। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि हमारे देवर जी हैं विकास जी, इन्होंने नहीं करा था नाश्ता, तो हमने कहा हम भी खा लेते हैं, हमें भी देखा देखी भूख लग गई, और दो लोग तो पता नहीं कहाँ चले गए। न रूप छ न रंग न सौ सिंगार को ढंग, रूप छ न रंग न सौ सिंगार को ढंग, तो हम पहुंच चुके हैं शादी में। ये देखे यहाँ मिलाप हो रहा है और दीपो में रास्ते में लेने आए हैं। चल भाई नमस्ते कर, भाई नमस्ते, खुश रहो। तो दोस्तों फाइनली कहा पाली, हमारी बहू आ गई भाई। मैं तो पता था, मेरे पर बहू को मैंने तो गोली दी ना, कपड़े तो दिन में। अरे रुक दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके, कैसा लग रहा है भाई तुम्हें? अरे बताओ भाई, ये ठंडा ठंडा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहे हो तुम। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं और मुझे ना ढोल नगाड़ो की आवाज भी आ रही है, ये देखो यहाँ किधर जाना नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुराने घर भी है, कितने सुंदर सुंदर, ये पठाली के घर कहते हैं हमारे यहाँ पे टिहरी में इसको। आप लोग क्या क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए मुझे। दोस्तों फाइनली हम खाना खाने बैठ चुके हैं, यहाँ देखिए और हम संडे को आना पड़ेगा, संडे दोस्तों यहाँ सब लोग खेतों में बैठे हुए खाना खाने, यहाँ ऐसे बैठ के खाते हैं, ये कल ही लाए। तो दोस्तों हल्दी का कार्यक्रम निपट चुका है, अब पूजा अपनी बेटी को खाना खिला रही है, सबसे मुश्किल टास्क आज की डेट में इनको खाना खिलाना है ना, सारा सारी दुनिया एक तरफ और इनकी दुनिया एक तरफ।
तो चलिए हमने खाना भी खा लिया है, फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, देन आपको गांव की सैर कराते क्या क्या है यार गांव में। ठीक, ये सब अपने लड़के हैं। हेलो बोलो रे, हेलो बोलो। है ये देखो सब लोग बना रहे हैं। आप पहले रुको मुझे दिखाओ, है हटना एक मिनट, ये तुमने बनाई है? अच्छा ठीक है, फेर हो लेकिन बेकार मोटो। ये किसने बनाई? ये मोटी मोटी है, हटना देखने दे, हटना ये मेरा मोटा। देखते हैं भाई क्या करोगे तुम जीवन। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये सबसे फर्स्ट क्लास यहाँ बनी, देखो कितनी बढ़िया। हेलो दोस्तों, तो ये सब मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब में ब्लॉग्स देखते हैं, ये साथ ही होंगे ना तुम लोग? हाँ ये साथ के ही हैं, हमारी उम्र के ही हैं। तो इन्होंने मतलब हम रोटी बनाने आई थी मैं, तो ये यहाँ मिले, इन्होंने बोला कि इन्होंने ब्लॉग देखते, तो मैंने कहा चलो इनको भी ले लेते। तो इनका गाँव बहुत बड़े, ये गाँव तुम्हारा ही है ना? इनका गाँव बहुत बड़े है, इस गाँव का नाम संतरा गाँव है, संतरे ही संतरे के पेड़ है, हमने बहुत सारे संतरे दिखाए। चलो इनके साथ रोटी बनाते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो दोस्तों मेहंदी शुरू हो चुकी है और काजू के ठंडा लग रहा है, काजू ठंडा आवाज नहीं लगेगा, ठंडा कल लगेगा अपनी परसों शादी के बाद। तो ये देखिए लड़कियां लगा रही है मेहंदी, सुंदर सुंदर मेहंदी, अब जब लग जाएगी तब दिखाएंगे। तो दोस्तों हम हो चुके हैं तैयार, अब मेहंदी के लिए पूजा तैयार हो रही है, चाची तैयार हो रही है। तो ये है हमारे जमाई जी और ये है कैशेराज, दिखाओ भाई कितना माल पानी हुआ आज का, आज के आज के आज के वो बताओ, अला कोला आज का कलेक्शन बताओ कितना हुआ है कलेक्शन, तो आप कैलकुलेट करो। ओके तो दोस्तों ये है मुंशी, अगर एक भी रुपया कम हुआ तो इनको ही पकड़ा जाएगा, बस एक रुपया ज्यादा भी हुआ तो मुझे तुम पकड़े मिलेगा। नहीं नहीं उसमें हम ना उसमें जवाई जी का मेरी पार्टनरशिप है, देने में लेने में नहीं है पार्टनरशिप, ये गलत बात है, ये गलत बात है, बराबर बटेंगे, कम होगा तो आप बढ़ देंगे, जिम्मेदारी है, ज्यादा होंगे तो बांट लेंगे, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे बन रहे हैं रोटियाँ, ये देखिए, और यहाँ पे गांव की सभी लेडीज को देखो भाई साहब, बोलो क्या बोल रहे थे, रोटी नहीं बना रहे नहीं लो, बातों में लगे है ना। हाँ ये बहू है आपके सब, बहू है, हाँ डंडा उठाओ और बहू है तो तो देवरानी वो ऐसी सम, देव नहीं सास को नहीं मानना है, सास को नहीं मानना है, जो देवरानी है ना डंडा उठा और सिर चमकाओ इनको। तो दोस्तों हम बना रहे रोटी यहाँ पे, ऐसा मेरे सब्सक्राइबर है बहुत अच्छे, हमने रील भी बनाई है वो इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रही है जल्दी। देवरानी कितनी अच्छी है, ये 1 बजे रात को मेरे बोलने पे चाय लाई बना। तो दोस्तों देवरानी हो तो ऐसी, एक बार मैंने बोला उसने एक बार में बोलने पे बना दी। देवरानी जी ए मोनी थैंक यू, खराब हो गई वहाँ देखो मेरे ऊपर क्या संतरे का पेड़, भाई मैं तो इस गांव में संतरे संतरे संतरे
और उधर देखो संतरे, कहाँ के संतरे, इतने संतरे हैं इस गांव में, इस गांव का नाम संतरा गांव कर देना चाहिए। तो हो चुकी है सुबह और अब हम सीधा चाय पी के निकल रहे हैं ऋषिकेश, क्योंकि आज है शादी। हाँ हाँ, तो राहुल को बोलो ना, राहुल ले वो थैला दे दे, ये थैला नीचे रख बैग। तो ये लोग तोड़ रहे संतरा सुबह सुबह, इनका कुछ काम नहीं है भाई। अब दिखाती हूँ मैं कैसे चोरी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। खाना खा चुके हैं। अब मेरे पति देव यहाँ देखे सुबह सुबह है ना, इनको संतरे की चोरी, यहाँ देखो दोस्तों संतरे की चोरी हो रही है। बस बस बस, किसी की अच्छाई का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। हेलो, इतना अच्छा इतना भी नहीं है। हाँ ये देखिए सुबह सुबह गांव में चोरी करने आए हैं ऋषिकेश से। बस बस आबू, किसी की अच्छाई का इतना फायदा नहीं उठाते। उठाओ बल आबू, वो क्या कह रहे हैं, उड़ाओ। दोस्तों ऐसे मालिक देखे आपने, खुद ही बोल रहे उठाओ निकालो सब। ये देखे ये आशीष है, आशे आराम से धीरे से धीरे से आराम से जड़ेंगे नहीं। बागल आराम से माँ किसी के सर में लग जाएगी। ये भी ये अपने पेड़ में चोरी कर रहे हैं, ये अपने पेड़ में कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखे ना, यहाँ है विकास, ये विकास को दिखाऊंगी। दो प्लेट पकौड़ी खा ली, और इस बंदे ने 2 साल के बाद आज ही पकौड़ी खाई है। उसको विकास को चिढ़ा रही हूँ मैं। हाँ तो मैं नहीं खाती ऑयली ना, मैं चाय पी रही हूँ बस वहाँ। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं यहाँ से, और ये देखिए हेलो, यहाँ देख ब्लॉग से ब्लॉग टकराएंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हम चल चुके हैं घर के लिए भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कुछ सामान छूट गया होगा तो अलग बात है, ये तो फुल टू इंजॉय किया हमने। दीपू सो रखा है, उसे हमने डिस्टर्ब नहीं किया। और देखो मेरे प्रिय देवर जी मेरा बैग उठाते हुए, बहुत हाँ काम चोर। तो तू बाइक क्यों लेके आए रे, होम यू कन। लो लो बेटा टॉफी खाओ, लो 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 लो, सबको देना ठीक है आपस में। थैंक यू बोलो दीदी को, बाय बाय। तो दोस्तों हमने इनको टॉफियां दी, अपने स्कूल का टाइम याद आ गया हुआ है ना, काश हमें भी कोई देता। उस समय नहीं देते थे, उसमें पैसा भी इतना नहीं था। और यहाँ पे फंस गए हम जाम में भाई, यहाँ इतना खतरनाक जाम लगा है, गाड़ी गलत लगा दी है और हम बहुत देर से खड़े हैं, और हमें जल्दी निकलना था ना। इससे अच्छा हम दीपू के घर पे रुक जाते कुछ देर, क्यों, पर हमें क्या पता था। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके थे घर और मैं आके सीधा सो गई थी। अब हो गई है 5 बज चुके हैं, तो हाँ ठीक है, आके सीधा सो गई थी, अभी उठी हूँ, भात खाया मैंने, अब मैं तैयारी कर रही हूँ बेड पर। चल अभी देख, जब मैं पहले थोड़ा पालन में अपने जूड़ बनाई लो, ठीक है जूड़े जूड़े जब। हेलो बोलो, हेलो दोस्तों, मेरा जोड़ा हो चुका है तैयार और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मतलब मुझे आत्मसंतुष्टि हो रही है। और पता नहीं वो ऑफिस में, हेलो ब्लू, हेलो पायल, छन छन छन, हेलो, सबसे डेंजर लड़की यहाँ की है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, 16 दुनिया 22, ये भी तो बोल, क्या 16 दुनिया 22, नहीं हाँ बोल, नीचे से देख रही थी मैं, देख रही थी। तो चले दोस्तों ये तैयार कर देंगे, उसके बाद फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। दोस्तों फाइनली हम हो चुके हैं रेडी और हम निकल रहे हैं अब शादी के लिए। पता नहीं यार, एक तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो ये है मेरा, मैं बैक लुक दिखा देती हूँ। और पापा अब अभी तैयार हैं, पापा कोट पहनो अपना, ठीक है। मम्मी भी तैयार है, मम्मी का है, मम्मी जुराब पहन रही है अपने, ठीक है। अब मिठू भी तैयार, मिठू हेलो गाइस कर दो, बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो, जय माता दी बोलो। तो हमें अपने लैपटॉप की जान जाना। अच्छा जय माता दी बोल दी, जय माता दी, हमें अभी लैपटॉप, जय माता दी, जय माता की। हम कहाँ जा रहे हैं, बरात में, बरात में नहीं शादी में, हम घर आती हैं, शादी है, हम घर आती हैं, अब बराती और आ रहे हैं। अब पापा को दिखा रहे हैं मैं, तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा पापा का कोट कैसा लग रहा है। इधर हटाओ ना थोड़ा, मम्मी तेरे दिखा जाए, ये मम्मी है, मम्मी की नई स्वेटर कैसे लग रही बाबा, वेरी नाइस नाइस, जोर जोर नाइस है, वेरी नाइस नाइस। और हम सब आज नाइस बने हुए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और
मेरी देवरानी, मैं इनके साथ आई थी। ये शोभा की जुल्फे उड़ रही हैं और ये नई दुल्हन अब पुरानी हो चुकी है, बहुत अभी एक साल तक, अभी एक साल तक नहीं है, अभी हम नए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं शादी में, चलिए। अरे जब तक दिल जवान है सामने, तो चलिए हम अभी जाना है, हमें गेट में रिबन विबन कटवाना है, तो चलिए फटाफट चलते हैं। सब घर में रेडी है, सोभा गाड़ी में रेडी हुई है, सोभा गाड़ी में हुई है रेडी, तो चलो। हो रहा है दुल्हन का फोटोशूट और दो दुल्हन इधर है। क्या अपने आप को कहाँ समझते हो, ये पता अभी दे दे उसको गिफ्ट यहीं पे, है ना। अब आपने हाँ सामान हाँ रख देंगे, नहीं कब बोकने हम उनके। हमारी ब्राइड ये दोनों, तो हमें शादी का दिन याद आ रहा है, हमें शादी का दिन याद आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर साहब दवाई बता रहे हैं। नहीं नहीं सुनो, डॉक्टर साहब दवाई किसे बता रहे, दूसरे डॉक्टर को, राजीव दीक्षित है ना। तो दोस्तों शादी का एंड, चल रहे हैं हम घर, और शादी ठंड से मेरे देवरानी की होगी हवा टाइट हमारी। और ये क्या तो ये दुल्हन की मम्मी है, हमारा प्यार में मिलाप हो रहा है आपको। चलो मेहमानों को देखो, ठीक हाँ, शक्ति की नौनी है, शक्ति बुआरी हाँ। चलो कहाँ है शक्ति, कहाँ गाड़ी लेकर खड़ो चाची जी, तो हमारा चाची जी ने अपना कदम हमारा घर में नहीं डाले। हाँ बस बस बस, मम्मी टांगड़े निकालो, बस टांगड़े फंस गई मम्मी की, अपनी टांगड़े सबकी टांगड़े फंस रही है दोस्तों इस गाड़ी में। हाँ मैं यहीं से आ रही हूँ, आराम से उतरना, चल ठीक है, बाय बाय आरती, बाय बाय, चला। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं घर शादी से, बहुत मजा आया शादी में, मतलब मैं क्या बताऊँ, मजा ही आ गया। तो चलिए आज के ब्लॉग की समाप्ति करनी पड़ेगी यहीं पे, ठंडा बहुत लग गया, शादी किसकी कुछ बहुत ठंडा लग गया। और विनायक अपने जुराब उतार रहे हैं, पापा आगे सब कोई वॉशरूम के कपड़े चेंज कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कल्पनाराज ब्लॉग्स। आजकल मैंने मिनी ब्लॉग्स बनाने शुरू किए, तो प्लीज़ जाके मेरे मिनी ब्लॉग्स देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट, जय माता दी।